हाँ नहीं दिखा, क्योंकि डंडे वाले कहाँ से भी होता है। जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर है। ओके चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना रिमेनिंग पार्ट एंड तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक एंड कैमरास वगैरह जो है ऑफ कर लें और देन हम अगेन स्टार्टअप लेते हैं। जी तो हम बात कर रहे थे कोर्स कंटेंट की कि कोर्स कंटेंट में जो है ना वो हमारे अमेजोन के तीन मॉडल्स हैं बेसिकली, लेकिन जो वीए का कोर्स कंटेंट है उसमें हमारे होलसेल ये प्राइवेट लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग्स है और होलसेल का बेसिक्स हमने ऐड किया होता है, जबकि होलसेल की ट्रेनिंग हमारी अलहदा से भी कंडक्ट हो रही होती है। तो इसमें डेफिनेटली अब मैं आपको बताती चलूँ कि होलसेल में क्या कोर्स कंटेंट होगा और जबकि ये जो वीए की ट्रेनिंग है प्राइवेट लेवल की इसमें क्या कोर्स कंटेंट होगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग का कोर्स कंटेंट। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो प्राइवेट लेवल मॉडल मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करती चलूँ, हमने क्या करना है कि इसमें पहले सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। एक क्राइटेरिया होता है ठीक है, जिसके थ्रू हमने ना प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल उस प्रोडक्ट की रेटिंग इतनी होनी चाहिए, रिव्यूज़ एक छोटा सा मैं क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करूँगी, जो बाकी 13 क्राइटेरिया वो आपको ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो जाएंगे। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल जी, अब एक चीज़ मेक श्योर करें कि एक जैसे कि हम कहते हैं ना कि यूएसए में अगर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसमें कंपेटिटर आपके 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यूएसए में। फॉर एग्जांपल आप आईफोन कवर सेल आउट करने जा रहे हैं यूएसए में, तो वो 2000 से ज़्यादा आईफोन कवर सेल आउट करने वाले सेलर नहीं होने चाहिए। अगर 2000 से ज़्यादा होंगे ना तो वहाँ पर आपका कंपिटिशन हाई हो जाता है। तो दिस वन जस्ट मैंने एक क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया है। अभी इसमें 13 टोटल क्राइटेरियाज होते हैं जिसपे हमने मीट करके बताना होता है ये प्रोडक्ट ना आइदर ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इसमें ये चीज़ मेक श्योर करने वाली होती है। अब फॉर एग्जांपल जी एक जस्ट वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स ना गर। अच्छा इसमें ना आपका किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लें। इसके बाद जब हमने वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे मीट करने वाली एक फाइंड आउट कर लेनी है ना, वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल जी आईफोन कवर है, ये 13 के 13 क्राइटेरिया पे मीट कर गया, जैसे कि उन्होंने कहा होता है कि प्रोडक्ट ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए ठीक है, इसके अलावा हिजबर्ड लाइक नहीं होनी चाहिए कि कोई फायर कैचिंग वाली प्रोडक्ट ना हो, इसके अलावा कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो इलेक्ट्रॉनिक वन होती हैं ठीक है, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बायर इस पर नेगेटिव कमेंट दे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मीट करके 13 क्राइटेरिया पे मीट करके बताना होता है कि जी ये प्रोडक्ट हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। जब वो विनिंग प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग करवानी है। एक विनिंग प्रोडक्ट के चार्जेस इस टाइम पे जो मार्केट में चल रहे हैं वो $200 चल रहे हैं ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जी आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद आपने और इसमें वीए की जो फील्ड है इस पर सबसे यूनिक चीज़ ये है, आपने पेमेंट स्टार्ट पे लेनी होती है। वो डिपेंड करता है आइदर ये ट्रेनिंग हो रही हैं या फिर आप सर्विस के चार्जेस ले रहे हैं, ये स्टार्टिंग पे होते हैं इसमें। अब फॉर एग्जांपल जी इसमें अच्छा ये चीज़ नहीं होती कि आपने क्लाइंट को कह देना जी मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दूंगी और आप पेमेंट देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी होती है, उसके बाद फिर क्लाइंट से जब आपने क्लाइंट को कीवर्ड दिखाने से पहले आपने चार्जेस लेने हैं, तो ये चीज़ चलती है। अब वो तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपको हर क्लास में गाइड किया जाएगा आपने किस तरह से मूव ऑन करना है। जब आपने एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी है ना, उसके बाद फिर आपने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवानी है। अब सोर्सिंग कहाँ से करवानी है, बेस्ट एवर सोर्सिंग के लिए यही है कि आप Alibaba.com से सोर्स करवाएं उसको। तो Alibaba.com इज़ द बेस्ट एवर सोर्सिंग पॉइंट के हम Alibaba से करते हैं। अब Alibaba से हम क्यों सोर्स करवाते हैं, हमें क्योंकि अच्छी से अच्छी प्राइस मिल जाती है उनसे ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि वो ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी देते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी ये होती है कि Alibaba ये कहता है कि
जमानत के तौर पर एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जब हम बाहर से कोई भी या अलीबाबा पे सेल आउट करने वाले जो सेलर बैठे हैं उनसे प्रोडक्ट लेंगे ना, तो अलीबाबा क्या करेगा वहाँ पे कि पेमेंट पहले अपने पास रखेगा, जब वो सेलर जो है वो हमें प्रोडक्ट पहुँचा देंगे ना, तो अलीबाबा हमसे कंफर्म करेगा कि इधर आपको प्रोडक्ट मिल गई है और ठीक है जो आपने प्रोडक्ट शिप करवाई है वो उसी कंडीशन में है जैसे आपने शिप करवाई थी। अगर हम ओके कह देते हैं फिर वो पेमेंट अलीबाबा सेलर को देगा, अदर देन डैट सेलर को पेमेंट नहीं जाएगी। तो ये होता है कि जमानत के तौर पर अलीबाबा। आप में से माइक म्यूट करें फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जब हमने सोर्सिंग करवानी है उसके बाद हमने जैसे आप दराज में देखते हैं ना कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी पड़ी होती है, इसी तरह हमने दराज पे जो है उसकी फिर लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, उसके बाद फिर हमने उसको ऑर्डर मैनेजमेंट करनी है, फिर ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग में यही चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम शिपमेंट करवाते हैं चाइना से, हमने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है, उसे उसने हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को लाइव करना है एंड PPC चलानी है। PPC क्या है? पे पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्ट जो है ना, हम ट्राई करेंगे हमारी प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पे आ जाए, उसके लिए फिर हमने PPC रन करनी होती है ताकि हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ सके। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट रिगार्डिंग प्राइवेट लेबल। एंड अब होलसेल का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूँ। होलसेल में बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, फिर हमने करनी है ब्रांड से रब्ता करना है। उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है ना उसके टाइटल के नीचे ब्रांड का नेम होता है, हमने उस ब्रांड से रब्ता करना है। ठीक है, हम चाइना में नहीं जाते होलसेल FBA में, हमने चाइना से सोर्स नहीं करवानी प्रोडक्ट, हमने सोर्स करवानी है उसी ब्रांड से जिसकी वो प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अब हमने उससे ईमेल के थ्रू रब्ता करना है या फिर कॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनसे कॉलिंग के थ्रू जब अप्रूवल लेंगे, उसके बाद फिर हमने उनसे जब अप्रूवल ले लेना है, फिर हमें जो शीट मिलेगी प्रोडक्ट जो सेल आउट कर रहा होगा ब्रांड्स, उन प्रोडक्ट्स को क्राइटेरिया पे मीट करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है जो क्राइटेरिया को मीट कर रही है, फिर हम उससे 15 से 20 पीस शिप करवाएंगे और वही प्रोडक्ट हम अमेजोन पे लाइव कर देंगे। तो दिस वन इन एक्चुअल द कॉल्ड अ होलसेल FBA मॉडल के, जिसमें हमने सोर्सिंग चाइना से नहीं करवानी, हमने सोर्सिंग उसी ब्रांड से करवानी है जिससे हमने अप्रूवल लेना है। तो ये मॉडल होता है होलसेल FBA का, और इसको हम चूंकि एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इन एक्चुअल जो है ना, अब होलसेल ये फुलफिलमेंट मेथड, ये हमें बहुत ज़्यादा क्यूरी आती है, मैम FBA क्या है और FBM क्या है। अब FBA को फर्स्ट ही मैं एक्सप्लेन करती चलूँ। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में रिमोटली काम कर रहे हैं, हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए रिमोटली काम कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या करना है कि अगर कस्टमर के अगर यानी कि हमारी प्रोडक्ट पे कोई कस्टमर आया ना, हमने अमेजोन को यानी कि थोड़े बहुत चार्जेस देने हैं और अमेजोन को कहना है, अमेजोन जो कस्टमर आएगा उसको हमारी प्रोडक्ट पिक पैक एंड शिप करके भिजवा देना कस्टमर के हाथों। ठीक है, तो अमेज़ोन को फिर हम थोड़ी सी पेमेंट वगैरह देते हैं जिसको हम FBA फीस कहते हैं, अमेज़ोन के फी चार्जेस होते हैं वो हमने पे कर देने होते हैं। जब कोई कस्टमर आता है अमेज़ोन खुद ही प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करके कस्टमर को दे देता है, हमारी हैजल ख़त्म कि हम पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये मॉडल होते हैं FBA मॉडल। पाकिस्तान में रहते हुए हर कोई FBA मॉडल करता है, ना कि FBM। FBM वो करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो करते हैं जो पाकिस्तान से यानी कि अगर UK में काम कर रहा है कोई पर्सन, तो UK में ही उसका रेजिडेंस हो, UK में ही वो वहाँ पे रहने वाला हो, तो फिर क्या करता है कि वो UK में ही रहते हुए जो है ना वो प्रोडक्ट को खुद अपने पास मंगवाएगा, कस्टमर जब आएगा तो वो खुद ही पिक पैक एंड शिप करके कस्टमर को देगा, क्योंकि वो तो उस टाइम पर उसी कंट्री में है। तो दिस वन इन एक्चुअल कॉल्ड द FBM मॉडल, हम प्रेफर करते हैं FBA मॉडल को। ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान से रिमोटली काम कर रहे होते हैं। तो दिस वन ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड अभी लास्ट पे मैं आपको असाइनमेंट असाइन करती चलूँ कि आपने नेक्स्ट कमिंग क्लास से पहले जो है असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है, और असाइनमेंट आप गौर से सुनिएगा। अच्छा, असाइनमेंट ये होगी आपकी, आपने क्या करना है कि नंबर वन असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने सबसे पहले ई कॉमर्स फेसबुक पे राइट कीजिएगा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप्स, तो आपके पास बेशुमार ग्रुप्स आ जाएंगे, आपने वो ज्वाइन करने हैं। ये कमिंग हमारी क्लास होगी सैटरडे को,
तो उससे पहले पहले आपने क्या करना है कि अब ये नहीं, मैं कहती कि एक ही दिन आपने तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने डे के हिसाब से चलिएगा। फॉर एग्जांपल एक दिन आपने 5 ग्रुप ज्वाइन कर, 5 से ज़्यादा ना कीजिएगा, आपका अकाउंट सस्पेंशन में जा सकता है, फेसबुक अकाउंट। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि एक दिन में 5 ग्रुप वर्चुअल असिस्टेंट के ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अगर आप चलेंगे तो ये आपके पास लातदाद ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। आप अमेजोन सर्च बार में राइट कीजिएगा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप्स, तो आपके पास बेशुमार ग्रुप्स आ जाएंगे। अब आपने एक दिन में सिर्फ 5 ही ग्रुप ज्वाइन करने हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना ना, नंबर 1 टास्क तो आपका ये होगा, आपने फिर एक दूसरे से ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आप उनके लिंक्स वगैरह ग्रुप में शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल जी सबा ने 5 ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तो मे भी अना ने वो ग्रुप ज्वाइन ना किए हों, अना ने कोई और ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, अना अपने ग्रुप्स के लिंक शेयर करेंगी, सबा अपने ग्रुप के लिंक शेयर करेंगी, तो वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा ताकि आपके पास ग्रुप्स भी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट पे आ जाए। उनका फ़ायदा ये होता है कि आपने ये जो पोस्टिंग करनी होती है, कमेंटिंग करनी होती है, आपने ग्रुप में किस तरह से विजिबल रहना है, ये साइड बाय साइड हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आपके पास ग्रुप ज़्यादा होंगे, ठीक है। और आपको ग्रुप को एक्सप्लोर करके नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको फ़ायदा वहाँ पे ग्रुप्स में, ई कॉमर्स के ग्रुप्स में इन्वेस्टर भी होते हैं और वीए भी होते हैं। वीए कौन है? जो हम हैं, हमने एज अ वीए काम करना है। इन्वेस्टर वो हैं जिन्होंने अपना, यानी कि उनके पास टाइम नहीं है और यानी कि उनको काम आता है लेकिन टाइम नहीं है, तो वो वीए को हायर करते हैं, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरा अकाउंट हैंडल कर दें। या फिर उनको काम नहीं आता, टाइम भी है, फिर भी इन डैट केस भी वो वीए को हायर करते हैं कि हमारा काम हैंडल कर दें रिमोटली। तो दो ही सिनेरियो में डेफिनेटली वीए को हायर किया जाता है ना। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, इनमें आपको क्लाइंट्स इन्हीं ग्रुप्स से अप्रोच करते हैं। जब आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं, जब आप कमेंट्स वगैरह में एक्टिव रहते हैं, जब आप डिफरेंट वे से एक्टिव रहते हैं, तो उन उस तरह से आपको फिर क्लाइंट्स ग्रैबिंग होती है, क्लाइंट्स फाइंड आउट होते हैं। तो वो तो एनी हो, हम डे बाय डे आपको हर तरह से आगाह करेंगे आपने किस तरह से मूव ऑन करना है। तो बाकी आपका नंबर 1 टास्क यही है, आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, लिंक वगैरह भी ग्रुप में, इसी व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बनाया गया है इसमें शेयर करें। इसके अलावा सेकंड टास्क आपका ये होगा कि आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अपडेट करें, अपनी प्रोफाइल पे जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको थोड़ा सा अपडेट करें, लाइक प्रोफेशनल प्रोफेशनल लुक दें, आप कोई प्रोफेशनल पिक्चर ऐड करें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप राइट करें भाई आप वर्चुअल असिस्टेंट है और कौन कौन सी आपकी जो है आप वर्किंग कर रहे हैं एट अ टाइम, या फिर कोई पोस्टिंग वगैरह शेयर करें। इस तरह से आप आज से ही स्टार्टअप ले लें इसको, ठीक है। तो ये आपके 2 टास्क है, कमिंग क्लास से पहले आपने ये परफॉर्म करने हैं। और अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, और क्वेश्चन जो भी हैं आपकी आपके 1 बाय 1 लेते हैं, और आप जस्ट हैंड रेज कर लीजिएगा तो मैं अनाउंस कर दूँगी, आप 1 बाय 1 क्यूरीज वगैरह कर लीजिएगा। जी है ना, आप क्वेश्चन करें। जी अना, आप क्वेश्चन करें। हाँ जी, आपने 2 टास्क बताई थी, एक था कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल, फेसबुक के वर्चुअल असिस्टेंट, और दूसरे टास्क में ना मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई दूसरी टास्क की। अच्छा, इसमें दूसरे टास्क में, फर्स्ट टास्क तो ये आपने वीए के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, एंड सेकंड टास्क ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल जो है ना उसको थोड़ा सा अपडेट करना है। उसमें आप ये नहीं, मैं अब कहती कि जाते ही आप पोस्टिंग करना शुरू कर दें, ये वो थोड़ा सा उसको अपडेट करें, थोड़ा सा उसकी प्रोफाइल पिक्चर को थोड़ा सा अपडेट करें, और इसके अलावा उसमें आप डिस्क्रिप्शन में राइट करें आप वीए हैं। इसके अलावा नीचे अगर कोई पोस्ट रिगार्डिंग नॉलेज के रिगार्डिंग आप शेयर करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन ये है कि अभी एक दिन में ही तो नहीं ना आप अपडेट कर लेंगे, आप इसको डे बाय डे जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको आपने नॉलेज की बेस में नॉलेज शेयर करना है अपनी प्रोफाइल पे एंड एज वेल डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में। अच्छा,
अच्छा एक और चीज मैम, जो हमने फेसबुक मतलब जो हमारी आईडीज हैं अपनी, हमारी तो वो मतलब पर्सनली कब से चली आ रही हैं, तो क्या आप उन आईडीज पे काम करना है कि एक और आईडी बनानी है इस काम के लिए? नहीं, जो आपकी पर्सनल है ना उसी को आप अपडेट कर लें, उसी पे आप वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। ज़रा आप नेक्स्ट ज़रा अवॉइड कीजिएगा कि जो हम अपने भांजों की या बहनों के यानी कि सबकी पिक्चर्स वगैरह लगा रहे होते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड कर लें, लेकिन उसी को जी आप अब प्रोफेशनल में अपडेट कर लें। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना लेक्चर की? जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको अवेल कर दी जाएगी। आज ज़रा मैंने स्टेटस इसीलिए लगाया था, मैं काफ़ी बिजी थी, मैं कहीं आई हुई थी, इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो ट्राई माई बेस्ट कि शाम में आपको मिल जाए, अगर नहीं तो मैं आपको कल तक अवेल कर दूँगी। जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम मैम। मैम इसके लिए अपनी ऐप भी बनाना जरूरी है या किसी ब्रांड वगैरह के यूज कर सकते हैं? इसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी भी नाम से बना लें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई मसला नहीं है तो डेफिनेटली आपने इतनी एफर्ट करनी है, आप अपने नाम को अपडेट करें। लेकिन अगर कोई घर का कोई होता है ना गर्ल्स वगैरह का इशू बन जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं, आप अपने कोई, लेकिन ट्राई करें कि आप गर्ल्स के नेम से कोई और नेम रख लें, लेकिन गर्ल्स के नेम से ही बनाएंगे, वो बॉयज़ के नेम से आप ना बनाएं। जी स्टूडेंट, और कोई क्वेश्चन? बाकी ये है कि इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्टिंग पे जो है वो आपने